प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक तोतुका भवन में आयोजित हुई। बैठक में आगामी संगठनात्मक चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी बजट सत्र में सरकार को घेरने को लेकर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए सांसदों का अभिनंदन किया गया। कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रस्ताव रखा और विधायक रामलाल शर्मा, जोगेश्वर गर्ग और सांसद जसकोर मीणा प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में मोदी सरकार की योजनाओं का धन्यवाद दिया गया। साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ भी प्रस्ताव में उल्लेख किया गया। वहीं कार्यसमिति की बैठक में खास तौर पर सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई। आगामी 6 जून को प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। यह अभियान प्रदेश में 30 अगस्त तक चलेगा। दूसरी तरफ बैठक में ओम माथुर, भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, सांसद ओम बिरला, दुष्यंत सिंह और कनकमल कटारा शामिल नहीं हुए। एक महत्वपूर्ण विषय जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वर्ष हम लोगों के लिए संगठन पर्व का वर्ष है और इसके लिए पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में सदस्यता अभियान के दृष्टि से जो प्रांत की जिम्मेदारी दी है श्री सतीश जी पूनिया और उनके सहायक के रूप में सांसद सीपी जोशी हैं और राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के सह संयोजक अरुण जी चतुर्वेदी को दायित्व दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की ये महत्वपूर्ण कार्यसमिति थी जिसमें हमारे पार्टी के सभी जो प्रमुख लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने शिरकत करी। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के प्रचंड जीत के बाद ये पहली कार्यसमिति थी, इसलिए जितने हमारे सांसद 24 के 24 उन सब का यहाँ अभिनंदन हुआ, जिनमें से दो हमारे प्रमुख मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, कैलाश चौधरी जी, अर्जुन मेघवाल जी किसी आवश्यक शासकीय काम से बाहर थे इसलिए उपस्थित नहीं हो पाए। बाकी सभी सांसदों को यहाँ पर सम्मानित किया, अभिनंदन किया। इस कार्य समिति ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है, उस प्रस्ताव में पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक थी। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है और वैचारिक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते और सत्ता में भी उसी नाते से हम काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें संगठन, संगठन की संरचना नियमित रूप से सदस्यता, सदस्यता के बाद संगठन के चुनाव, ये नियमित क्रम में होते हैं बिना किसी व्यवधान को। उसी क्रम में जैसे लोकसभा चुनाव से शुरू हुए सफलता होगा, अभी तो केवल चुनाव हुए, चुनाव में इतनी भारी सफलता, उसके बाद सरकार का गठन और सरकार के गठन के बाद तैनात की सरकार के हिसाब से संगठन पार्टी काम करेगी। लेकिन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण संगठन इसलिए संगठन में सदस्यता जो पहला चरण है उसके ऊपर तो चुनाव के परिणाम के बाद ही